सो हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल राइडर संदीप। और ये मेरी दूसरी राइड की वीडियो होने वाली है। जो पहली वाली वीडियो थी बलिया से बक्सर के लिए, उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मतलब कि मज़ा आ गया देख के। तो ये दूसरी राइड है बलिया यूपी से डुमराव बिहार तक। और मेरे पास है न्यू फैट बाइक और राहुल भाई की है यहाँ पर MTV। और राहुल भाई अपना इंट्रो बना चुके हैं उधर, तो अब चलिए शुरू करते हैं अपनी राइड। और राइड में क्या क्या होने वाला है, फुल मस्ती होने वाली है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। मिलते हैं आगे। अभी हम हैं ये बलिया टू बिहार के लिए एक न्यू पुल बनी है, अभी हम उसपे हैं। और बहुत थक गया है, देखो वहाँ से आ रहे हम लोग, पुल साइड दिख रहा, बहुत चढ़ाई थी भाई। पुल का व्यू लो, अभी हम लोग प्राणपुर गांव में हैं। और ये बच्चे साइकिल देखने के लिए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। साइकिल कैसी है? बढ़िया है, बढ़िया है। तो अभी हम लोग प्राणपुर गांव में आ चुके हैं। ये बलिया से लगभग कितना किलोमीटर है? 15। बलिया से 15 किलोमीटर है। कंटिन्यू साइकिल चला, बहुत दर्द हो रहा है यार। आगे बढ़ते हैं। गाँव का व्यू बहुत खूबसूरत है भाई, ये देखो पानी पानी मस्त है। तो चलते हैं आगे। अभी हम लोग परानपुर से चल के डुमरी आ चुके हैं। वहाँ पे देखिए डुमरी से का बोर्ड भी लगा बैंक का। और यहाँ से अभी हम लोग 10 किलोमीटर और जाएंगे। रफ, इतना सड़क इतना रफ था ना, मतलब भाई गांव का हाल जो रफ सड़क है ना पूरी, मतलब इतना रफ सड़क हम कभी नहीं देखे थे भाई। सड़क नहीं है, सड़क है भाई, बिहार में सड़कें बोलते हैं। सड़क वो सड़क नहीं जो हम लोग डिसलाइक दिए थे, ये दूसरा सड़क है। तो उस सड़क पे मत जाना भाई, तो काफ़ी। और ये भाई देख के चला गया, देखो साइकिल देख रहा था बेचारा, देख के चला गया। 10 किलोमीटर और कवर है, तो कवर करते हैं 10 किलोमीटर और जाके कुछ खाते हैं, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से घर से निकले हैं। तो लिट्टी मिला और पनीर की सब्ज़ी मिली है, तो भूख तो बहुत जोर की लगी है। राहुल भाई का शक्ल देख लो एकदम ऐसे, मतलब घुस जाओ उसमें, घुस जाओ उसमें ना भाई, फोटो ले रहे हैं। तो अभी खाते हैं और खा के फिर डुमराव में थोड़ा घूमेंगे, मस्ती करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। सड़क कितनी गंदी है ना, कम जल्दी यहाँ से निकलना होगा, तभी हम लोग टाइम से पहुँच पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहले भी हम लोग ने नाश्ता कर लिया, बहुत तेज भूख लगी थी, तो अभी हम लोगों ने खा के उठे हैं। और इन्होंने पनीर के साथ, पनीर टिक्का के साथ लिट्टी दिया था और चावल दिया था भाई साहब, गजब का लाजवाब था, मतलब बहुत टेस्टी था। अगर आप कभी डुमराव आएँ तो एक बार ज़रूर आए, पुन्नू होटल पे आगे विजिट करें, भाई साहब का खाना बहुत ही लाजवाब है, एकदम मतलब रिजनेबल प्राइस में बहुत टेस्टी खाना है। तब जब भी आए डुमराव एक बार यहाँ पर आके खाना खाएँ, मज़ा आ जाएगा। वैसे ही इनका दुकान जो है नॉनवेज है, बट अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है तो ये वेज दे रहे हैं, तो अगर आप नॉनवेज खा लें तो और भी टेस्टी मिलेगा नॉनवेज यहाँ पे, तो आप ज़रूर आके विजिट करें। और अभी हम लोग चलते हैं डुमराव के राजा का गढ़ जो किला है, वहाँ घूमेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे बलिया के लिए। तो चलते हैं। सो फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं डुमराव राजा के गढ़ जो राजा का किला है, और यहाँ पे हम लोग अभी किले में घूमेंगे और अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हैं। सुनने में आता है कि किले के अंदर ही मंदिर भी है, स्कूल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम किले के गेट पे खड़े हैं, ये है किले का एंट्रेंस, जो गेट है आप देख रहे हैं,
और अंदर है, बहुत पुराना है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफ़ी चीज़ें, बहुत चीज़ों को नया भी कर दिया गया है टाइम के हिसाब से। तो चल के देखते हैं कैसा है क्या है, आइए फिर अंदर चलते हैं। हम लोग अभी किले के अंदर आ चुके हैं और किले के अंदर जैसे हमने एंट्री की बताया था ना कि स्कूल है, तो स्कूल ये रहा। देखिए ये स्कूल जो है प्लस टू महारानी उषा रानी बालिका उच्च महाविद्यालय राजगढ़ डुमराव बक्सर में है। तो ये किले के अंदर ही स्कूल बना दिया गया महारानी के नाम से, अच्छी बात है, लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर कुछ पुरानी इमारतें हैं, वहाँ पर कुआँ है, तो चलिए कुएँ के पास चलते हैं, देखते हैं। अंदर और भी बहुत कुछ है, जैसे कि ये देखिए, आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल पौधे लगे हुए, अच्छे गार्डन है। और अंदर एक आपको मंदिर दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा पूरा ये रहा मंदिर। तो चलिए देखते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छे सारे पेड़ पौधे हैं, ये बहुत पुरानी भी चीज़ें कुछ बची हुई हैं पहले की। ये रहा पुराना सा किला जो आपको दिख रहा है, निकल किला, ये किला, और यहाँ पर फूल पौधे हैं। तो अभी हम चलेंगे मंदिर के पास और देखेंगे क्या है, कैसे है, क्या क्या पुरानी चीज़ें हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें होती है। अगर राइड पे आप निकल रहे हैं तो किसी हिस्टोरिकल जगह पे जाइए जहाँ पे जाने का मकसद पूरा हो जाए, कुछ देखने को मिले, कुछ समझने को मिले, कुछ करने को मिले। तो ये देखिए यहाँ पर हमको कुछ दिखा, ये रहा आपको दिख रहा है, ये शायद वो है महाराजा हैं यहाँ के जो पहले यहाँ पे थे, उनका ये स्टेचू बना हुआ है। ये रहा गार्डन इनका, ये है इनके महल, पुराने महल। सो फाइनली हम लोग किले के अंदर जो मंदिर है वहाँ पे आ चुके हैं। मंदिर तो बहुत सारे हम लोगों ने देखी है कि मंदिर है इस भगवान का, उन भगवान का, बट ये जो मंदिर है ये कुछ खास है क्योंकि ये राजा महाराजाओं ने मंदिर बनवाई है। और इस मंदिर की क्वालिटी हम बता दें कि ये जितने भी हम स्तंभ देख रहे हैं, पिलर देख रहे हैं, ये सारे चीज़ लकड़ी के बने हुए, एक भी चीज़ सीमेंट के नहीं है। यहाँ पे हम लोग आए तो एक मेरे यहाँ पे गार्ड जी मिले हैं, ये हैं, इन्होंने मेरे को बताया कि ये सारी चीज़ें जो है ये लकड़ी की बनी हुई है। तो इनसे कुछ पूछते हैं। गार्ड जी ये बताइए कि ये मंदिर कब का है? हम तो सुने हैं कि 1836 का है। गार्ड जी का कहने का मतलब है कि ये मंदिर 1836, मतलब कि बहुत पुरानी मंदिर है, क्या बताया, जब राजा महाराजा राज करते होंगे तब की मंदिर है, और उस समय से लोग बचा के रखे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि उतने सालों बाद भी हम लोग को कुछ उस टाइम का देखने को मिल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मंदिर का अगर हम व्यू दिखाएं अंदर का, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मंदिर, मतलब एक बक्सर के छोटे से डुमराव गाँव में या ज़िले में ऐसे मंदिर हो सकती है। तो मतलब इस चीज़ को बचा के रखने के लिए जिन लोगों ने भी इस चीज़ को बचा के रखा है, सैल्यूट है भाई उनको। फाइनली गाइस हम लोग मंदिर घूम लिए, किला घूम लिए, सारा चीज़ घूम लिए, गार्डन वगैरह सारे चीज़ देख लिए, आपको दिखा दिए मैंने। अब बारी है हम लोगों को बलिया जाने की, तो एक बार किले को टाटा बोल देते हैं और अपनी बाईसाइकिल को निकालते हैं और यहां से चलते हैं बलिया। और बलिया चल के फिर मिलते हैं आपसे, अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तो 1:30 बज रहा है और धूप, जानते हैं आप गर्मी के टाइम में 1:30 बजे की कितनी गर्मी होती है,
तो चलते हैं, देखते हैं जो भी रास्ते में आएगा ट्रेवल करेंगे उसको, फिर मिलते हैं हम आपको रास्ते में, मिल सकते हैं कोई फिक्स नहीं, भले ही मिलेंगे नहीं तो भले तो पक्का मिलेंगे, तो चलिए चलते हैं। बलिया वाले ब्रिज पे आ गए हैं, ये रहा बलिया वाला ब्रिज, और शाम के टाइम है, और शाम के टाइम ये जो नज़ारा आता है ना गंगा किनारे, अलग ही होता है, मतलब इसका व्यू अलग ही जाता है, क्या मतलब पहाड़ों का ये मतलब व्यू है यहाँ पे, और हवा भी वैसे चल रही है तो अमेजिंग, मतलब सही बता रहे हैं, मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं, हमको आधा घंटा हो गया, और मैं भूल भी गया था कि अभी वीडियो कुछ शूट करना है, अभी याद राहुल भाई याद दिला कि वीडियो बना लो यहाँ पे, और हम लोग तभी से यहाँ पे फोटो ही शूट कर रहे थे, ये सब फोटो मतलब अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत है ये देखो, और यहाँ पे मेरी इस साइकिल को देख के कुछ लोगों ने यहाँ पे ऐसे हाथ मारा जैसे हम लोग चोरी मचा दिया था बवाल, इसके बाद तुम वो क्लिप देख लेना जरूर, मतलब कि हम लोग किसी चोरी उरी करके आ रहे हैं, रुको 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 कहाँ हुआ भैया साइकिल को फोटो खिंचवाना है, मतलब इसकी ना जलवाई अलग है, अलग अलग लेवल का। तो अभी गाइस हम लोग यहाँ पे ब्रिज पे हैं, और अभी 5-10 मिनट में निकलेंगे घर पहुँचेंगे, और उससे पहले हम मिलते हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग अपने होम टाउन बलिया आ गए हैं, 3:30 बजे के आसपास हम लोग आ गए थे बलिया में, लेकिन वहाँ ब्रिज पे कुछ फ्रेंड वगैरह मिल गए थे, तो उनके साथ फ़ोटो वगैरह लेने में टाइम लग गया, तो अभी हम अपने कॉलोनी में हैं, एंटर कर चुके हैं, और वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।